हेलो गाइस, हेलो दोस्त। मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसको मैं समझा दूंगा क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस हैं सारे इंग्लिश में खुल रहे हैं, हिंदी में खुल नहीं रहा है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि इसमें कुछ तस्वीरें आ रही हैं, कुछ क्वेश्चंस में आगे का तस्वीर नहीं होंगी, ठीक है? तो वो क्वेश्चन छोड़ दिए जाएंगे क्योंकि जब क्वेश्चन में फोटो नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्प्लिट बियरिंग? ये जो आप देख रहे हैं स्प्लिट बियरिंग है, इसका जो है नाम क्या बता रहा था? तो क्वेश्चन ए है, तो इसमें है फ्लैंज पैटर्न टाइप है। ये क्वेश्चन का फ्लैंज, यानी कि ये साइड में कोने निकले हैं तो ये आपकी फ्लैंज बनी होती है, ठीक है? डिफरेंट टाइप के स्प्लिट बियरिंग होते हैं, ठीक है? आगे आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर दो में आता है, दिखाया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज द परफेक्ट फॉर द लैपिंग? लैपिंग के लिए कौन सा जो है एब्रेसिव परफेक्ट होता है, अर्थात नॉन फेरस मेटल और फेरस मेटल दो टाइप में होते हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो वो हार्ड वाले के लिए होता है वो ज़्यादा, और इसमें सी ऑप्शन दिया है, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है सॉल्ट वर्क के लिए होता है, इसमें सी क्वेश्चन सी वाला सही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर तीन में आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट मेंबर इन ए सिंपल गियर ट्रेन? सिंपल गियर ट्रेन में लास्ट मेंबर क्या होता है? आप जानते हैं जो ड्राइवर बेटा ड्रिबन होता है, तीन गियर लगे होते हैं, पहले ड्राइवर होता है, फिर उसमें बीच में आइडल गियर लगा होता है, लास्ट में ड्रिबन गियर लगा होता है। तो लास्ट सिंपल गियर की ट्रेन का लास्ट सिंपल है ड्रिबन, यह था इसका सी ऑप्शन, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर चार में आ जाइएगा, विच गेज इज द जनरली यूज टू द चेक इंटरनल थ्रेड? आंतरिक चूड़ियों को चेक करने के लिए कौन सा गेज हम यूज करेंगे, ठीक है? जैसे कि प्लग गेज, टेपर चेक करने तो टेपर गेज, किसी चीज का बोर चेक करना तो बोर गेज, ऐसे ही इंटरनली थ्रेड चेक करनी है हमको, तो सी ऑप्शन है इसमें, थ्रेड प्लग गेज, ठीक है? थ्रेड प्लग गेज इसका सी। पांच नंबर है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टूल ट्रेवल्ड इन द वन रेवोल्यूशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द वर्क इज द टी? कोई कार्य हमारा हो रहा है, कोई डायमीटर पे जो बन रहा है, कुछ डायमीटर बन रहा है तो उसमें हमारा जो उसका सूत्र होता है वो पाई गुणा डी, तो कोई सर्किल में कोई चीज घूमती है तो इसलिए पाई डी का मान लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर छह में आता है, व्हाट मेजरमेंट इज द चेक? ये चेक करने का मेथड कौन सा है? आप देख रहे हैं बन्ने के लिए पर है, अंदर साइड में कुछ चूड़ी कटी हुई है तो ये क्या चेक किया जाएगा, ठीक है? तो इसमें ऑप्शन है इसका बी, मेजरिंग कोर डायामीटर। मेजरिंग कोर डायामीटर अर्थात जो हमारा चूड़ी जो थ्रेड कटी हुई है, ठीक है, थ्रेड का जो है आप जो है जहाँ तक चूड़ी स्टार्ट होती है वो वाला हिस्सा इसमें चेक किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है सात नंबर पे, विच एम कोड इज टू एक्टिव वेट कूलेंट पंप इन द सीएनसी मशीन? सीएनसी मशीन में कूलेंट पंप स्टार्ट करना है तो कौन सा इसमें कोड होगा, अर्थात सी वाला है, इसमें M08 वाला होता है, ठीक है? अगला देखिए आप, इसमें व्हाट इज द टाइप ऑफ द एंगल प्लेट? ये एंगल टाइप आप किस टाइप देख रही है, ये बॉक्स डिब्बा टाइप का, तो बॉक्स टाइप की है, ठीक है? इसमें आप देख रहे हैं स्लॉट बने हुए, स्लॉट किस टाइप के, किसके लिए बने होते हैं? इनमें हम टी बोल्ट लगा करके किसी जॉब को उसके ऊपर उसकी सहायता से कस सकते हैं, ठीक है? ये आपकी अधिकांश से आपको जो आपके रेडियल ड्रिल मशीन होती है उस पर ये काम में लाई जाती है। अगला है इसमें बॉक्स है, जैसा 20 वाला सेक्शन सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इफ द कोड ऑफ द पी इन द पार्ट प्रोग्राम मल्टीपल थ्रेड्स कटिंग ब्लॉक्स? अर्थात ये आपका सीएनसी वाला वर्क है, इसमें मल्टीपल थ्रेड काटनी है तो कौन सा इसमें एक्शन लिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर इसमें आपका है तो बी है इसका, हाइट ऑफ द थ्रेड, ये चूड़ी की जो है हाइट क्या रखी जाएगी उसके लिए सारे कोड G7 76 आपका G76 X और Z PQF इसमें शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मैनी फंडामेंटल डिवीजन आर द रिकाउंटेड बाई द BS के अनुसार जो है जो फंडामेंटल डिवीजन है, ठीक है, जो वेरिएशन होते हैं वो कितने रखे जाते हैं, ठीक है? तो वो आपके 25 होते हैं, जैसे किसी में ए ग्रेड में 18 होते हैं, किसी 25 होते हैं, इस तरह से BIS में होते हैं 25। क्वेश्चन 12, विच टाइप ऑफ द इंडेक्स केबल इंसर्ट इज यूज टू द पार्टिंग और कटिंग पर्पज ऑन द लेथ? लेथ में जो पर्पज होता है, ठीक है, तो जैसे हम सामान्य टूल यूज करते हैं और एक इंसर्ट वाला टूल यूज करते हैं, तो इसमें क्या है कट ऑफ द इंसर्ट वाला ये टूल है, इसमें इसका पर्पज है लैथ मशीन के लिए। अगला है 13, व्हाट इज द एफ इन द ड्रिलिंग साइकिल फॉर्मेट G74 Z Q F? इसका मतलब क्या है, ये ध्यान दें, आप सेंसर चैप्टर में देखेंगे तो सब कोड के मीनिंग्स दिए हुए हैं, मशीन टूल कहाँ से स्टार्ट होता है, टूल कहाँ से कटिंग करना होता है, मशीन बंद करने का कोड क्या है, स्टार्ट करने का कोड क्या है, कूलेंट का कोड क्या है, इस तरह से सारे कोड दिए होंगे, आपको उन कोडों को याद करना होगा तभी आप जो है सीएनसी के क्वेश्चन से सारे आप हल कर पाएंगे, ठीक है? अगला तो इसमें सी टाइप है इसका, फील्ड रेट होता है ये इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड द G02 कोड इंडिकेट? 002 जो होता है वो क्या शो करता है, तो क्या शो करता है इसमें सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन चलेगी, यानी कि जो आपकी घड़ी की दिशा सीधी वाली होती है, एंटी क्लॉक वाइज नहीं चलेगी, ठीक है? विच मेटल इज टू बी केस हार्डनिंग? केस हार्डनिंग में कौन सा मेटल इसमें हार्ड किया जाता है, ठीक है? कास्ट आयरन या हैवी पार्ट्स को, इसको क्या है केस, आपको केस हार्ड नहीं किया, केस हार्ड नहीं में बहुत थोड़ा ही ऊपर वाला हिस्से को हार्ड किया जाता है, बाकी हिस्से को जो है हार्ड नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द मैट्रिक थ्रेड डेप्थ? यानी चूड़ी की मैट्रिक थ्रेड की गहराई
करने वाला सूत्र आपका कौन सा है, तो कौन सा है इसमें 0.6134 गुणा पिच, ये डेप्थ वाला फार्मूला होता है। अगला होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ द टीथ गियर इज द यूज टू एज द ट्रांसलेटिंग गियर टू ए कट, तो इसमें कट के लिए कौन सा है, तो इसमें आंसर है इसका बी, बी इसका सेक्शन है 127 होगा। आप जानते हैं जो हमारे गियर होते हैं वो 127 का गियर होता है, जब सूत्र हम लगाते हैं तो 5/27 यूज होता है, एक में 127/5 यूज होता है, यानी कि ब्रिटिश घर में आपका ब्रिटिश लेडी स्क्रू है तो मैट्रिक थ्रेड काटनी है, और मैट्रिक लेडी स्क्रू है तो ब्रिटिश थ्रेड काटनी है, उसके लिए ये चेंजेबल होते हैं। उस नंबर 18 है विच एक्सेस द स्पिंडल मूव ऑन वर्टिकल मशीन सेंटर्स, तो मशीन सेंटर्स में वर्टिकल होती है और तो मशीन होती है उसका एक्शन क्या होता है, वो जेड एक्सेस पे चलती है। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इन द सरफेस रफनेस सिंबल्स, मैंने आपको पढ़ा बता चुका हूँ इसके सबके बारे में आपको, ये जो आपके सिंबल लिखे हैं ई ए डी बी सी सब लिखे हैं, इनका अपना मतलब होता है कि इस पर क्या मशीनिंग कार है, 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 इनके सबके सिंबल्स आप याद कर लीजिए, ये हमेशा एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बी, खाली बी की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो वैल्यू लिखा है इसमें सी वाला है, इसमें प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड कैसा है आपको सिमिलिंग से ऑप्शन करना है, टर्निंग करनी है, नलिंग करनी है, किस टाइप से करना है, तो ये आपका ऑप्शन वाला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द इंक्लूड एंगल ऑफ द एक्मी थ्रेड, एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है इसमें दिया है 29 डिग्री। ध्यान दें एक्मी थ्रेड जो होती है दो तरह की होती है, एक मैट्रिक सिस्टम में होती है, एक होती है आपके ब्रिटिश सिस्टम में, तो मैट्रिक सिस्टम में जो एंगल होता है वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, और आपके ब्रिटिश सिस्टम में जो एक्मी थ्रेड का एंगल होता है वो 29 डिग्री होता है। डेथ मशीन में हमारी जो लेडी शू होता है उसमें जो उसकी चूड़ी होती है वो 29 डिग्री की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 विच फार्मूला टू बी यूज टू फाइंड कोर डायमीटर, कोर डायमीटर प्राप्त करने के लिए हमारा जो है कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो पहला वाला इसमें ऑप्शन सही है ये वाला, जैसे कि कोर डायमीटर इजिकल टू मेजर डायमीटर माइनस के टू डेप्थ, यानी कि गहराई जो है उसको डबल उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो हमारा कोर डायमीटर निकल आता है। अगला है 22 नंबर में व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, ऐसे ही इस टाइप से ही बहुत सारे चित्र आपको अगले वाले एग्जाम वाले क्वेश्चन में हो सकते हैं, ये गेज किस टाइप की है, फिलर गेज भी हो सकती है, स्क्रू थ्रेड गेज हो सकती है, टेलीस्कोप गेज हो सकती है, वो आपको चित्र दिखा देगा और उसमें आपको बताना है कौन सा गेज है आपको। तो देख रहे हैं आप व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज, कौन सी गेज दिख रही है आपको, ये गोल गोल है तो रिंग गेज टाइप की दिख रही है, इसमें अंदर चूड़ी भी कटी है तो इसका नाम हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, ऑप्शन इसका ए इसका सही है। 23 हाउ द रफनेस वैल्यू इज एक्सप्रेस, रफनेस वैल्यू क्या एक्सप्रेस करती है, ठीक है, तो क्या करती है वो माइक्रोमीटर। हियर द फॉलोवर इज फिक्स टू द प्रोड्यूस फ्रॉम द टर्निंग, टर्निंग के लिए क्या है, क्या चीज़ प्रोड्यूस किया जाती है, क्रॉस स्लाइड, जैसे कि आप जानते हैं टर्निंग करते हैं तो क्या चलाते हैं हम, क्रॉस स्लाइड चलाते हैं, तो इसमें यही है फेसिंग करने के लिए क्रॉस स्लाइड, टर्निंग करने के लिए आपकी क्या है कैरिज को चलाना चलाया जाता है। ठीक, अगला था क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द सेटिंग द टूल मेकर्स बटन, टूल मेकर बटन में इसमें एक्स जो पार्ट है वो क्या दिखा रखा, टूल मेकर होते हैं उनको लगाया जाता है, बटन को लगाया जाता है, बट लगा करके उनको सेंट्रलाइज किया जाता है तब वहाँ पर ऑपरेशन किए जाते हैं, इसमें इसका सेक्शन है सी वाला, इसमें यह लिखा है गेज मिला।